हेलो वेलकम टू ब्रेकिंग बैरियर्स आई एम योर होस्ट आलिया इस वक्त जो खबर मैं आपके सामने रख रही हूँ वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ है और इसको सीएनएन से लेकर बीबीसी तक रिपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है इंटरनेशनल और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है खबर क्या है खबर यह है कि इंडियंस आर सेट टू रिसीव 100 बिलियन डॉलर्स इन रेमिटेंसेस दिस ईयर अकॉर्डिंग टू ए वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट दी फर्स्ट टाइम ए सिंगल कंट्री हैज़ रीच्ड दैट नंबर इंडिया पहली मरतबा कोई ऐसा कंट्री बना है कि जो वन हंड्रेड बिलियन डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेज वसूल करेगा ट्वेंटी ट्वेंटी टू में बीस सौ बाईस में ये एक और रिकॉर्ड सामने आया है. अच्छा इसमें कुछ और भी जो डिटेल्स है वो भी आपके सामने रखी देती हूं जिसमें सी इसको इस तरीके से लिख रहा है कि इंडिया ऑन ट्रैक फॉर रिकॉर्ड 100 बिलियन इन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट अच्छा अब ये किस तरह हुआ एक्सटेंसिव इंडियन डायस्पोरा विल हेल्प द साउथ एशियन कंट्री रीच ए स्पेशल माइल दिस ईयर इंडियन ऐसे लोग के जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं ओवरसीज इंडियन दूसरे ममालिक में बसने वाले इंडियंस उन्होंने ये कमाल कर दिखाया कि उन्होंने अपने कंट्री में अपनी हकूमत के लिए इतनी बड़ी अमाउंट रेमिटेंसिस के तौर पर भेजी है कि अब ये कहा जा रहा है कि पहली मरतबा कोई कंट्री इस माइलस्टोन पर पहुंच जाए कि वो 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसिस जो है वो वसूल करेगा रेमिटेंसज और मनी ट्रांसफर्स फ्रॉम माइग्रेंट वर्कर्स टू फैमिलीज बैक होम आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर हाउस होल्ड्स इन पोअर कंट्रीज दे नॉट ओनली रिड्यूस पॉवर्टी इन डेवलपिंग नेशंस बट हैव ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विद हायर स्कूल इनरोलमेंट रेट्स फॉर चिल्ड्रेन इन डिसएडवाटेज हाउस होल्डस ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि भाई इससे क्या क्या कुछ हो सकता है और होता है ओवर दी लास्ट फ्यू ईयर्स जब हम ये बात करें कि भाई ये कैसे हुआ अभी तक ये पहली मरतबा 2022 में ही ऐसा क्यों होगा कि इंडिया को जो है वो 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा बड़ी अमाउंट जो है रेमिडेंसेज के तौर पर मिलेगी तो वही इसलिए हुआ कि ओवर दी लास्ट फ्यू ईयर्स दी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सेड इंडियंस हैव मूव टू हाई स्किल्ड जॉब्स इन हाई इनकम कंट्रीज सच एज दी यू के यूनाइट स्टेट्स एंड सिंगापुर तो जो इंडियंस हैं वो अब ज़्यादा हाई स्किल्ड जॉब्स पर जा रहे हैं हाई प्रोफाइल जॉब्स पर जा रहे हैं जिसमें ये भी कहा गया कि फ्रॉम लो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट इन गल्फ कंट्रीज सच एस सऊदी अरेबिया कुवैत एंड कतर एंड सेंडिंग मोर मनी बैक होम एज ए रिजल्ट कि वो इंडियंस जो कि पहले ऐसा हुआ करता था कि जो जॉब्स हुआ करती थी वो इतनी हाईली स्किल्ड हाई प्रोफाइल जॉब्स नहीं हुआ करती थी जैसे कि पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में गल्फ़ कंट्रीज में जाते हैं सऊदी अरेबिया में जाते हैं कतर में जाते हैं कुवैत में जाते हैं और मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा इस पर बात की थी कि जो यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं वो क्या होता है कि वो वहाँ पर ज़्यादा मज़दूरों वाली जो जॉब्स मतलब ये कि जिसमें मेहनत वाली जॉब्स जो होती है कहना चाहिए हर बंदा मज़दूर होता है हर काम करने वाला मज़दूर ही होता है जो हम ये काम कर रहे हैं आप जो भी काम करें मज़दूर ही कर रहे हैं यानी मज़दूर हैं आप भी लेकिन यानी इस तरह की जॉब्स के जिसको वाइट कॉलर जॉब्स नहीं कहा जा सकता कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रही है जैसे कि हमने देखा कि फीफा के लिए कतर में स्टेडियम्स बने वो ऐसी जॉब थी कि उसके नतीजे के तौर पर इतनी सख्त वो काम था कि बहुत सी हलाकतें हुई बहुत से लोग उसमें मज़दूर जहाँ बाग हुए जिस पर अब ह्यूमन राइट्स की तनजीमें जो है वो आवाज़ भी उठा रही हैं तो इस तरह की जो जॉब्स थे उस पर जो लोग इंडिया से जाया करते थे अब वो चेंज हो गया वो कई स्टेप्स ऊपर आ चुके हैं और हुआ ये है कि अब वो हाई स्किल्ड जॉब्स पे जा रहे हैं ये सीन का जो है वो डिटेल्स जो आई हैं वो मैं आपके सामने रख हूँ अच्छा जी फिर ये कहा गया है कि इंडिया हैड रिसीव्ड 89.4 बिलियन रेमिटेंस इन 2021 यानी पिछले साल 89.4 बिलियन था यानी 90 बिलियन आपके हे इतना था और जो 10 बिलियन जो ज़्यादा हुआ है तो वो इस साल 100 बिलियन बन गया और फिर ये भी है कि रेमिटेंसिस फ्लोज टू इंडिया वर एनहांस्ड बाय द वेज हाइक्स एंड ए स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर रिच कंट्रीज के ये भी हुआ है कि वहाँ पर वो हाई हुई हैं और इस बिना पर भी ऐसा हुआ है ये रिपोर्ट जो मैंने आपके सामने पेश की इसके हवाले से मैंने एक पॉइंट पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा था और मैंने ही कहा था कि हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज हैं उस पर जो रूल करते हुए यूथ नज़र आ रही है वो इंडियन यूथ है और इसके अलावा हमने ये भी कहा कि जो दीगर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बड़े बड़े जो कारोबार हैं बिज़नेस बिजनेसेस हैं उस पर ऐसा नज़र आता है कि जैसे इंडियंस छाए हुए हैं और ना सिर्फ ये कि हम जो पोलिटिकल लॉबिंग है उस पर तो बात करती है कि भाई अमेरिका में यू में वहाँ पर उनकी पोलिटिकल लॉबी जो है वो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग है लेकिन इससे हट कर जो पोलिटिक जो लॉबिंग है वो तो एक अलग चीज़ है ना उसके ऊपर लेकिन इससे हटकर अगर ये देखा जाए कि अगर आपकी एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम कमाल का है अगर आपका एजुकेशन सिस्टम आपने बहुत ही अच्छा बना लिया है तो वो आपको इतनी रेमिटेंसेस दिला सकता है क्योंकि इंडिया के जो हाईली स्किल्ड यूथ या लोग वहाँ पर जा रहे हैं और अच्छे अच्छे वो जॉब्स पर वहाँ पर लग रहे हैं तो इसकी वजह यह है कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है उनका आई की जो तालीम है वो आपको पता है वो तो पूरी दुनिया से वहाँ पर लोग जो हैं वो हासिल करने के लिए आते हैं तो अगर कोई कंट्री अपना एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर ले और अपने नौजवानों को बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम दे तो उसके नौजवान बाहर जाकर अपने मुल्क को ये फ़ायदा पहुंचा सकते हैं अब हुआ क्या इस खबर को खान साहब के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर होना चाहिए इमरान खान के लिए क्योंकि इमरान खान का यह दावा था जो पीएम मोदी ने कर दिखाया भाई ये दावा तो ये क्लेम तो हमारे इमरान खान साहब किया करते थे वो कहते थे कि मेरे आने की देर है मैं जब आऊँगा जब मेरी हुकूमत आएगी तो पूरी दुनिया के पाकिस्तानी जो है वो हमें इस तरीके से पैसे की बरसात होगी कि हम तो कहीं से कहीं निकल जाएंगे रॉकेट की रफ्तार से जो हम ऊपर जाएंगे और आप देखिएगा कि मुराद सईद ये कहा करते थे उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि जैसे ही आएंगे वैसे ही वो कितने अरब डॉलर जो है मुँह पर मारेंगे कर्जे के वापस करेंगे सब कर्जा उतर जाएगा जो पाकिस्तानी है ओवरसीज पाकिस्तानी वो इतना रेमिटेंसेस भेजेंगे हैं तो ये करके किसने दिखा दिया ये हमारे हम सारा मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर ने करके दिखा दिया उनकी हुकूमत ने इसको फिर इस तरह कैसे लिया जाए इमरान खान क्योंकि ये कहते थे कि मेरे आने की वजह से ये होगा तो ख़ान साहब ये क्या हो गया ये देखिए अब आपको तारीफ़ करनी चाहिए पहले तो आप सिर्फ़ फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ किया करते हैं इंडिया की लेकिन अब इमरान ख़ान को वहाँ की इस बात की भी तारीफ़ करनी चाहिए कि देखिए जिस तरीके से मैं कहता था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मेरे ऊपर ट्रस्ट है वो मुझ पर ट्रस्ट करके मुझ पर अहतम करके मेरी ऑनेस्टी की वजह से मुझे इतना पैसा भेजेंगे तो वो तो उस दूसरी तरफ हो गया है वो तो इंडियंस ने अपने प्राइम मिनिस्टर पे ट्रस्ट करके उनको ईमानदार सब समझ के उनकी हुकूमत को इतना पैसा भेज दिया तो खान साहब क्या इसको इस तरीके से फिर लिया जाए चलिए ये तो एक इसका पहलू था एक एंगल था वो इसलिए था कि क्योंकि ये जो बात मैंने की मैंने इसलिए की है कि बहुत ज़्यादा ये चर्चा रहा यहाँ पर जब मैंने रेमिटेंसिस का देखा तो मैंने कहा अच्छा वो याद आ गया हमें चार साल पहले की बात कि इमरान खान जब आए थे तो ये कहा था कि मेरे आते ये होगा लेकिन फिर हमने ये देखा जनाब अच्छा फिर ये भी बात कही गई थी कि वहाँ से लाखों लोग जो है यहाँ पे जॉब्स के लिए आएंगे तो यहीं से जाने लग पड़े चले इसके जो क्रक्स है अगर हम वो जानना चाहें तो देखिए हम जिस तरह पहले बात करते रहे मैंने इस प्रोग्राम में भी आपको वही बात की बहुत ज़रूरी है हमें बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ना और उस आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हाईली स्किल्ड लोग पैदा करें और वो हम उसी तरीके से पैदा कर सकते हैं कि जब हमारा एजुकेशन सिस्टम इस काबिल हो कि हम अपनी यूथ को साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम दे सकें आप जब तक अपने नौजवानों को अपने बच्चों को वही पढ़ाते रहेंगे जो ऑलरेडी घिसा पिटा आपके सिलेबस में पढ़ाया जाता रहा है हमेशा से जिसमें जो है वो जिहादी तालीम दी दी जाती है जिसमें जो जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं कि भाई भाई देखिए ना हम देखते हैं अब कितनी बड़ी तादाद में मदरसे अब मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है कि मौलवी साहब बैठ के पढ़ा रहे होते हैं कि भाई नहीं जो ज़मीन है वो गोल थोड़ी है वो तो चपटी है और ये मतलब घूमना घामना कुछ नहीं है साकित है मतलब बिल्कुल ठहरी हुई है खड़े हैं वरना आपको पता है ज़मीन घूम रही हो तो हम उसके ऊपर कैसे खड़े हो सकते हैं हम भी घूम रहे होंगे तो इस तरह की तालीम देने की जो वीडियोज़ है हमारे सामने वायरल होती रहती है ना इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ तो ये जो एक है ना हिलेरियस हमारा तरीक़ाकार हमेशा का इसको हमें खत्म करना होगा साइंस और टेक्नोलॉजी पे हमें आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं ऐसे बनाने पड़ेंगे कि जो ऐसा तरीक़ाकार अडॉप्ट कर सके तो मैं ये समझती हूँ कि हम ये कम से कम सीख सकते हैं अपने हमसाया मुल्क से वैसे तो हम अपने हमसाया ममालिक से कंट्रीज से जो इंडिया भी है जो बांग्लादेश भी है इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं आगे बढ़ने के लिए लेकिन क्या ही कमाल की बात है कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं अफ़गानिस्तान से ही सीख रहे हैं